बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2 जून 1996 में राज्य गेस्ट हाउस में हुई एक घटना का हवाला देते हुए एक साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जब उन पर सपा ने जानलेवा हमला कराया तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया था। बसपा प्रमुख ने सोमवार को कहा कि सपा ने 2 जून 1995 को बसपा द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था, जिस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी की तारीफ की, कैसे की वो देखिए इस रिपोर्ट में। मायावती ने अपने खिलाफ भाजपा के एक विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की नाराजगी पर आभार जताने के तीसरे दिन सोमवार को यू टर्न लेते हुए सपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ भाजपा के विधायक राजेश चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा था कि सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तत्व के लिए विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। मायावती ने इस पर शनिवार को अखिलेश के प्रति आभार जताया। उन्होंने भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें भाजपा के षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है। सोमवार को बसपा प्रमुख ने यू टर्न लेते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि सपा ने 2 जून 1995 को बसपा द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, जिस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। अपने सिलसिलेवार पोस्ट में मायावती ने कहा कि तब कांशीराम ने अपनी बीमारी की गंभीर हालत में रात को इनके गृह मंत्री के समक्ष नाराजगी जताई थी और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर कांग्रेस सरकार हरकत में आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अगले पोस्ट में दावा किया कि क्योंकि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीयत खराब थी, जो अनहोनी के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, उसका ये षड्यंत्र बसपा ने नाकाम कर दिया था। मायावती ने कहा कि तब सपा के आपराधिक तत्वों से भाजपा सहित विपक्ष ने मानवता के नाते मुझे बचाकर अपना दायित्व निभाया था, जिसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ होती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा हमेशा से जातीय जनगणना की पक्षधार रही है और केंद्र की सरकारों पर दबाव बनाती रही है। मायावती ने सवाल किया, लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को उनका वाजिब हक दिला पाएगी, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को भी लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए है। इसी के साथ मायावती ने एक्स पर लिखा कि सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता है, मैं आखिरी सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहूंगी। अचानक मायावती के सुर क्यों बदल गए हैं, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।